जान रोक लोगे भाई, जान को नहीं देंगे, जान को भी दे रहे हैं। कारण की है सर, दाते नहीं कुछ है, बाकी लगता जा रही है साढ़े बने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों के दोषियों से बनती कानूनी कार्रवाई करवाने संबंधी अज वख-वख सिख जथेबंदियों वालों दीवान हल मंजी साहब के बाहर रोस प्रदर्शन किया गया। श्रोमणी कमेटी और पुलिस प्रशासन वालों पहला तो जथेबंदियों इतने पहुंचने तो रोकया गया, पर हल्की झड़प तो बाद सिख जथेबंदियां दीवान हल मंजी साहब के बाहर पहुंचिया। उधर दूजे पासे श्रोमणी कमेटी की टास्क फोर्स वालों दीवान हल मंजी साहब के सवेरे कथा होने तो बाद दरवाजे बंद किए गए और बाहर पहरा लाया गया ता जो सिख जथेबंदियां दीवान हल मंजी साहब विखे दाखिल ना हो सकन, जिसके चलदे जथेबंदियां दे आगुआं वालों दीवान हल मंजी साहब के बाहर ही धरना ला के शांतमय ढंग नाल वाहिगुरु के नाम का जाप किया गया। 328 लापता हुए पावन स्वरूपां की जानकारी ते दोषियों ते बनती कार्रवाई की मंग नूं लैके रोस प्रदर्शन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों चों संगतां संकेतक रूप दे विच मंजी साहिब दीवान हाल दे बाहर बैठ के 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप जिहदा कि हिसाब किताब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संतुष्टि वाला नहीं दिता, जिहड़ी जांच डॉक्टर ईश्वर सिंह दी टीम ने कीती वो जांच भी अधूरी है। वो डॉक्टर ईश्वर सिंह ने एक गल एक्सेप्ट कीती है, प्रवान कीती है कि ये जो जांच कीती गई है ये अधूरी रह गई है समय दी घाट करके, और उन्होंने ये भी गल प्रवान कीती कि वो अपनी एक महीने दी जांच दे दौरान उन्होंने भी जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लिहाजा जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 328 स्वरूपों का संतुष्टिजनक सानू जवाब नहीं मिलिया तो देश विदेश दीयां संगतां दे विच इस गल का बहुत वड्डा रोस सीगा। ते कुछ जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया कि 14 सितंबर वाले दिन इतिहासिक दीवान मंजी हॉल दे विच जा करके असी पंथक इकट्ठ करांगे, संगतां नूं बुला करके अगले प्रोग्राम दी मोर्चे दी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन तुसी वेख सकते हो कि असी इस वेले बिल्कुल दीवान हाल मंजी साहिब दे बिल्कुल सामने बैठे सतनाम वाहिगुरु का शांतमय रूप के नाल जाप कर रहे हैं, और दीवान हाल मंजी साहिब भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के तानाशाही रवैये कारण ये भी बंद करता गया है। आज सवेरे इत्थे पावन हुक्मनामे की कथा की गई और उसके बाद इस नूं सील करता गया, बंद करता गया, जिहदे नाल कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे लापता स्वरूपां दा इंसाफ लैण लई जिहड़े जागदी जमीर वाले इत्थे आ के इकट्ठे होए ने, ये आ करके किधरे साडे कोलों हिसाब किताब मंगण लई ये इकट्ठे ना होण। लेकिन असी इत्थे दसना चाहते हाँ कि अज असी इत्थे बड़े शांतमय तरीके दे नाल बगैर किसी टकराव दे नाल असी इत्थे इकट्ठे होए हाँ। ना तो साडा इरादा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालियां दे नाल किसी प्रकार का झगड़ा करन दा है,
असी तो केवल तो केवल उन्हों को पुछते हाँ कि जेड़े 328 सरूप जिन्हों का हिसाब किताब नहीं है उन्होंने नंबरिंग जी है वो संगतां दे विच दसन कि केड़े केड़े नंबर दे पावन सरूप जिहड़े ने वो किथे किथे भेजे गए ने अते जिहड़े सरूप 19 मई 2016 नूं जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 80 सरूप श्री गुरु ग्रंथ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ऑफिस नोट दे मुताबक वो नुकसाने गए ने अग लगन कारण घट्टो घट सानू ये दसन कि वो 80 सरूपां दे नंबरिंग की सीगी किहड़े किहड़े नंबर सीगे लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़े सवालां दे अमृतसर तो सनी सोहोता दी रिपोर्ट।